हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे बरदोली सत्याग्रह के बारे में जो हुआ था 1928 में। बरदोली वॉज अ ताल्लुक इन द सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वेयर द गांधियन मेथड ऑफ लिविंग वॉज वेरी सक्सेसफुल एवर सिंस द डेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मोमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मोमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। एंड जब से नॉन कॉपरेशन मोमेंट स्टार्ट हुआ था तब से वो इतना फेमस हो गया था कि जो बरदोली जो ताल्लुक है सूरत डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, वहाँ के लोगों ने इसको बिल्कुल अपना लिया था एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दिस मेथड, दिस लिविंग स्टाइल। तो वहाँ के लोग जो थे गांधियन मेथड को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कल्टिवेटर्स इन बरदोली कंस्टिट्यूटेड ऑफ द दुबला ट्राइब हु वेयर एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड वेयर वर्स्ट हिट बाई द राइज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो बरदोली जो ताल्लुक था वहाँ पे मोर देन 50% जो कल्टिवेटर्स जो किसान थे वो दुबला ट्राइब्स के थे। दुबला ट्राइब जो थे वो बहुत ही गरीब तबका था, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो लोग जी रहे थे एंड उन लोगों के ऊपर ये जो लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा रही थी उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इनफैक्ट। देन द पीजेंट्स इन्वाइटेड वल्लभभाई पटेल अ बैरिस्टर एंड अ गांधियन टू लेड द मोमेंट। और जब वो लोग एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाए, मीन्स चीज़ें जब हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, तब वहाँ के जो किसान थे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को इन्वाइट किया अपने गांव में। जो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बैरिस्टर थे एंड वो गांधी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ओके, ही डिवाइडेड द तालुका इंटू 13 कैंप्स एंड मेड एक्सपीरियंस्ड लीडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग द पीजेंट। और जब वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे आए बरदोली में, तब उन्होंने उस तालुका को 13 कैंप में, 13 पार्ट में डिवाइड किया एंड जो एक्सपीरियंस लीडर्स थे उनको ये काम दिया कि तुम किसानों को मोटिवेट करो, उनको जमा करो, उनको एकजुट करो। द पीजेंट्स टुक ओथ इन नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गॉड्स that they would not pay the land revenue and इसका ये impact हुआ कि जो बरदोली के जो किसान थे उन लोगों ने कसम खाया, अपने अपने भगवान के नाम पे कसम खाया कि वो जो tax है land revenue जो है वो pay नहीं करेंगे। The villagers who paid taxes were boycotted by the rest and जो भी गांव वाले, जो भी उस गांव में रहने वाले जो किसान थे, अगर उन्होंने tax pay किया तो बाकी के गांव वाले उनको बायकॉट करते थे, मीन्स उनसे ना बात करते थे ना उनसे कुछ रिलेशन रखते थे। ओमेन एज इन अदर गांधियन सत्याग्रह वेयर एक्टिव इन बरदोली सत्याग्रह एज वेल। औरतें जो थी गांधियन सत्याग्रह जो होता था उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी एंड वही चीज़ हुआ यहाँ पे। बरदोली सत्याग्रह जब हुआ तो औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इट वॉज द ओमेन ऑफ बरदोली हु गेव वल्लभ भाई पटेल एज द टाइटल ऑफ सरदार। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया बरदोली के महिलाओं ने, बरदोली गांव की जो औरतें थी उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया सरदार। तब से उन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, मीन्स सरदार का टाइटल किसने दिया। तो हमने देख लिया कि बरदोली की औरतों ने दिया। दूसरा चीज़ कि बरदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ? 1928 में। ओके, गांधी रिज्ड बरदोली इन अगस्त 1928 एंड वॉन्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट टू अरेस्ट पटेल। गांधी जो है अगस्त 1928 में बरदोली पहुंचते हैं एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग देते हैं कि तुम वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट नहीं करोगे, अगर अरेस्ट करोगे तो मैं कुछ और अलग मोमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो तब तक गांधी का इतना इम्पैक्ट पड़ चुका था कि ब्रिटिशर जो थे उनसे डरते थे एंड उन्होंने वही चीज़ें की जो गांधी ने एक तरह से डिक्टेट किया। फाइनली गवर्नमेंट अंडर प्रेशर इंक्वायर्ड द मैटर थ्रू ए रेवेन्यू ऑफिशियल मैक्सवेल who to oppose the increase in land revenue and finally the land revenue was decreased। and जब गांधी ने भी जाके वहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर तो बन रहा था
जो वल्लभ भाई पटेल जो मोमेंट चला रहे थे उसकी वजह से, बट गांधी जब पहुँचे तो और उसका इम्पैक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आ गई एंड उन्होंने फिर एक कमेटी बताई, और उस कमेटी में मैक्सवेल नाम का एक बंदा था, जो मैक्सवेल था वो भी चाहता था कि ये टैक्स ना बढ़े, लैंड रेवेन्यू जो है वो ना बढ़े, एंड फाइनली जो ये पैनल बना उसने डिसाइड किया कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, इसको डिक्रीज किया जाए। इस तरीके से बरदोली सत्याग्रह जो था वो सक्सेसफुल रहा। सो दिस वॉज अबाउट बरदोली सत्याग्रह। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर थिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।